अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फिश के पकोड़े। हमने ये फिश ली है, तकरीबन ये हाफ के जी होगी, इसके तकरीबन ये 6 पीस हैं। ठीक है जी, ये बोनलेस फिश है। इसमें ये एक कांटा होता है, ये वाला, ये बीच का, और इसमें और वो बारीक कांटे नहीं है, तो इसलिए हम इसके पकोड़े बनाएंगे। ठीक है जी, ये हमारे मसाले जो इसमें जाएंगे, इसमें जाएगा हाफ चम्मच जो है मेथी, सूखी मेथी, और ये जाएगा तकरीबन थोड़ी सी अजवाइन जाएगी हाफ चम्मच, एक चम्मच नमक, और ये है जी पिसी हुई अजवाइन है एक चम्मच, और हाफ चम्मच है लाल पिसी हुई मिर्च, हाफ चम्मच है ये लाल कुटी हुई मिर्च, और ये हाफ चम्मच है जो हमारा पकोड़ा मसाला हमने बनाया था वो है, हाफ चम्मच है हमारा जो गरम मसाला है, और ये है 3 से 4 चुटकी जो है हल्दी है, और ये एक चुटकी है जर्दा कलर, और एक चुटकी है मीठा सोडा, और ये हरा धनिया है। ठीक, ये एक प्याली हमारा बेसन है, हमने एक प्याली लिया है, ये छोटी प्याली है, इसमें इतना ही बेसन जाएगा। हमने मिक्स करने के लिए पानी रखा है। ठीक है जी, अभी हम सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे, और ये जो है हमारा धनिया। ठीक है जी, तकरीबन हमने पहले ये हाफ प्याली पानी लिया है, क्योंकि जो हमने मसाले डाले थे उनका था। ये देखिए, ये हमारा बेसन, हमने ऐसा नहीं रखना है। ठीक है जी, इसमें हम और पानी डालेंगे। ये हमने ऐसा रखना है इसमें। ठीक है जी, और फिश को हमने अच्छे से धो लिया था, फ्रेश है हमारी फिश। कुछ लोग जो स्मेल की वजह से नहीं खाते हैं, तो फिश की स्मेल दूर करने के लिए आप जो है लहसुन और अदरक का पानी बना के, तो उसमें धो के उसमें डाल दें इसको थोड़ी देर के लिए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और साथ में हल्का सा नमक भी डाल दें। ठीक है जी, ये हमारा इस तरह से इतना बेसन रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम ये फिश के पीस डाल के इसमें रख देंगे, और फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, हमारे फिश के पीस गए इसमें, इसी में हम डाल के रख देंगे। ठीक है जी, होगी हमारे, और इसमें ये जो हमने फिश ली है, इसको हमारे जो हमारे पाकिस्तान में मली जोंसी है, मली मच्छी कहा जाता है, मली मछली के नाम से मशहूर है ये। इसमें कांटा एक ही होता है, इसको बच्चे भी आराम से खा लेंगे शौक से, और बड़े भी, जिनको कांटे निकालने की वजह से जो फिश नहीं खाते हैं वो ये खा सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट ऐसे रखेंगे, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये अपने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है पहले ही, हमारा ऑयल गर्म होगा, उसके बाद हम इसमें डालना शुरू करेंगे। चलिए जी, देखते हैं, मेरा तेल रेडी। जी, तेल हमारा रेडी है, हमने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। हमने अच्छी तरह से बेसन को इसमें लपेट के फिश को अच्छे से, ठीक है जी, हमने ज़्यादा थिक नहीं बनाया, ज़्यादा थिक से फिर वो फिश का मज़ा नहीं देगा। ठीक है जी, पतला पतला सा लगाना है, बिल्कुल हल्का सा, वैसे इसके पकौड़े बना देंगे। ठीक है जी, ये बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी बनते हैं। Thank you.
दे देती हूँ, ठीक है। हमने फ्लेम थोड़ा हल्का कर दिया ताकि फिश इसके अंदर ही गल जाए अच्छे से और पक के रेडी हो जाए। हमारे ऊपर जो हमने इसके ऊपर बेसन का बैटर लगाया वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से फिश भी गल के रेडी हो जाएगी। इस तरीके से 4 से 5 मिनट इस साइड पे इसको पकने देना है, 4 से 5 मिनट उस साइड पे, ताकि फिश अच्छे से अंदर से पक जाए, कच्ची ना रहे। इसको हमने बस ऐसे बनाना है जैसे आम पकौड़े बनाते हैं, कोई ब्रेडक्रम कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लगानी। इस ये ऐसे ही आप बना के खाएंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मजे के बनते हैं और टमाटर की चटनी के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए कैसे पकड़ देते हैं, ठीक है ना। ये हमारे ऐसे ही पकते रहेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट इस साइड पे पकेंगे, फिर हम इनको निकालेंगे, फिर हम दूसरे डालेंगे। दूसरे काम भी किए जाते हैं, ये हमारे जो पकौड़े हैं बहुत जूसी और बहुत मजे के बनते हैं। इसको बच्चे बूढ़े आंख बंद करके खा सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही बोन है बस, बीच वाली जो होती है, बाकी
इतने छोटे कांटे नहीं है। ये हमारी बेसन की लेयर्स भी ज्यादा नहीं है इसके ऊपर। हम फिश के साथ खाने के लिए टमाटर की चटनी बनाएंगे। यहाँ पे हमने लिया ये एक टमाटर लिया है, थोड़े से पत्ते जो हमने पुदीने के लिए हैं, और हमने 4 से 5 जवे हमने लहसुन के लिए हैं, ठीक है जी। और ये 3 हरी मिर्चें ली हैं, और इसमें जाएगा जी ये 1/2 चम्मच जीरा जाएगा, ये 1/2 चम्मच ही नमक जाएगा, ठीक है जी। टमाटर डाल देते हैं। ये देखिए हमारी चटनी रेडी है, हमारा फिश पकौड़ा रेडी है, ये हमारी टमाटर की चटनी है, ये हमारे फिश के पकौड़े हैं, ये देखिए ये अंदर से अच्छे से गल गए, ठीक है। इसका कलर ऐसा ही होता है, ये देखिए, ठीक है। हमारा फिश का पकौड़ा रेडी है। खाइए हेल्थी, रहिए हेल्थी, जो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।